वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि मैंने आपको यूपी जीआईसी के जो एलटी और प्रवक्ता, एलटी और प्रवक्ता दोनों की ही वैकेंसी निकलने वाली है, बट इस वीडियो में मैं जो प्रवक्ता है उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या उसका सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको दो तीन वीडियो में बता चुकी हूँ कि यूपी जीआईसी की वैकेंसी निकलने वाली है, थोड़ा सा अहर्ता का जो विषय है वो थोड़ा सा रुका हुआ है और इसका जो पैटर्न होगा वो चेंज होने वाला नहीं है। पहले पैटर्न चेंज हो गया है, लास्ट वाले पैटर्न पर ही होगा। तो जिनके पास, जिनको बिल्कुल न्यू है और फर्स्ट टाइम इस बार अटेम्प्ट करेंगे जीआईसी लेक्चरर का, उनके लिए मैं आपको बता दूँ उसका पैटर्न क्या रहेगा। इसमें दो राउंड होंगे, एक ध्यान रखेंगे बिल्कुल पीसीएस की तरह से होगा क्योंकि यूपी पीपीएससी ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स एंड सेकेंड इज मेन एग्ज़ाम। प्रीलिम्स जो होगा वो एमसीक्यूज होगा जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आएगा, और जनरल स्टडीज़ जो है आपका 40 मार्क्स का होगा और इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आपका 80 मार्क्स की होगी, जो कि 2 आवर्स का आपका समय रहेगा और 300 टोटल मार्क्स रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर का सिलेबस बताऊंगी, जनरल स्टडीज़ का अलग से बता दूंगी, इसमें नहीं बताने जा रही हूं, क्योंकि आप सभी जानते हो दिशांत क्लासेस जो है वो इंग्लिश का ही चैनल है। फिर भी अगर आपको डिमांड होगी तो मैं वो भी बना दूंगी, ना भी डिमांड हो तो भी बना दूंगी, क्योंकि एक चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाए, एक ही चीज़ के लिए, एक ही एग्ज़ाम के लिए बार बार अलग जगह ना जाना पड़े। तो जनरल स्टडीज़ जो है 40 मार्क्स की आएगी, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो यहाँ की जनरल स्टडीज़ है बिल्कुल पीसीएस लेवल की आती है, समझिए कि आपको पीसीएस ही क्लियर करना है जनरल स्टडीज़ में। लास्ट ईयर के पेपर आप उठा कर देख लीजिएगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है जनरल स्टडीज़ का वही पीसीएस वाला रहता है और 80 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के होंगे। मेन एग्ज़ाम जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, बिल्कुल आपका पीसीएस वाला ही होगा, हिंदी प्लस एसे यानी हिंदी आएगा उसके उसमें एसे राइटिंग के लिए आएगा, इंग्लिश आएगा जो इसका जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 घंटे होंगे और 300 का पेपर होगा, 2 आवर्स के लिए आपका हिंदी और ऐसे होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के आपका जो है 700 का ये पेपर बैठ जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करते हैं जितने परसेंटेज रखेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं और चीज़ें क्लियर कर दूँगी आपको। यहाँ सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि आपको प्री और मेन एग्ज़ाम निकालना है और कितने का मार्क्स का है, बाकी जो उसकी शर्ती रहेगी नोटिफिकेशन करते मैं जान लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, मुझसे भी कई बार पूछ रहे कि मैम कब आ रही जीएससी की भर्ती, हम तभी स्टार्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो पक्का है कि जीएससी की वैकेंसी निकलने वाली है, चाहे इस ईयर के एंड तक निकले या नेक्स्ट ईयर के ही निकले, 2022 और 23 वाली इस वैकेंसी को हम कह सकते हैं, बट 100% निकलेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अब बात करते हैं इसके जो ऑथर्स और वर्क्स है ना उसके बारे में करेंगे। जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी में भी है, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन आपके टीजीटी में है, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉन कीट्स, एएल टेनिसन, ये सारे आपके पीजीटी वाले राइटर हैं आपके, शैली, कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू वन नोट, जॉर्ज डिकन्स, टॉम सार्डी, डब्ल्यू बी इट्स पहले पूछा जाता था पीजीटी में, अब नहीं आता, टी एस इलियट भी आपका पीजीटी का है, जी बी शो, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राय, मुल्क राज आनंद, ये आपके इंडियन राइटर्स आपके पीजीटी में भी पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी हेल्प आपको पीजीटी से भी मिलने वाली है, जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वो काफ़ी इजी हो जाएगा। नसीम इज़ेकील, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटर, ये सब भी जो राइटर मैंने आपको बताए हैं, अमेरिकन राइटर, ये भी आपके पीजीटी में हैं, ये वाले हैरोल्ड पिंटर, आर एन टैगोर, गिरीश कर्नाड और वी एस नायपोल, यानी टोटल 25 आपके जो राइटर्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और इस साथ ही साथ में जो उसका सेकेंड सेक्शन होगा वो लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसमें एक जो चीज़ जुड़ी है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यही आपका पीजीटी में भी था। लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स इसमें क्या है, कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स और कौन कौन से मूवमेंट्स होंगे, रिनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, द प्री रेफ्लेक्ट मॉडर्न लिटरेचर, ये लगभग मैं रिनेसा वाला पीरियड में आपको करा चुकी हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपको सारे पीरियड पढ़ने पड़ेंगे तभी आप लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स निकाल पाएंगे। लिटरेरी फॉर्म्स जो ये है, मेजर स्टैंजा फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, सोनेट, बैलार्ड, मोग, एपिक, इलेगी, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।
लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आएगा वो अरस्तू का आएगा, जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एस्टिकोलिस, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोर और टी एस एलियट, ये सब लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपके एग्जाम में इसमें आने वाला है। ये एक्स्ट्रा है, पीजीटी में नहीं आता है, बाकी सारा पॉइंट जो है आपके पीजीटी में भी आता है। सेक्शन बी आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, ये पीजीटी में भी आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, रीअरेंजिंग यानी जंबल सेंटेंस, प्रीपोजिशन, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फिगर ऑफ स्पीचेज एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो मोस्टली जो आपका सिलेबस है लैंग्वेज में भी वो आपका यूपी पीजीटी के लिए भी पढ़ना है। बस क्या अंतर है, यूपी पीजीटी जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और एक पेपर होगा, बट यहाँ आपको मेन भी निकालना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल पीसीएस लेवल की आपको तैयारी करनी होगी तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सीटें कम रहती है पर सब्जेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपका पैटर्न था और वो आपका सिलेबस था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जी हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। बाय।